बाबा जी, सबसे पहले तो ये बताएं, यहाँ शाह साहब थे वो कहाँ गए? वो जड़ा थे गौ तकिया पे आसी। फजूल बात कर रहे हैं आप। जड़ा थे 250 वाला कद्दू पे आसी। यार ये आमिल नहीं है, ये भांड है कोई। सर ये कोई दो नंबर सा फिल्मी करेक्टर नहीं लग रहा? कोई फ्लॉप सी फिल्म होती है जो मिजरेबल सी, क्योंकि दूर उफ्तादा गांव में मुफ्त दिखाई जाती है उसका कैरेक्टर लग रहा। ते भांड मेनू कह रहा है सर? एडी पक्की पिटी गल कोई आम बंदा कर ही नहीं सकता। बाबिया नु इथे क्यों बुलाया जी? किसने बुलाया तुम्हें? मैंने नहीं बुलाया। फिर तुसी बुलाया उन्हें? नहीं मैंने भी नहीं बुलाया। मुड़े इन्हें बुलाया उन्हें मेनू? इन्हें कौन है जा चाइना का अनुपम खेर है। चला शाह साहब है, शाह साहब। और वो चले गए, उन्होंने कॉपी जोड़नी थी इस वक्त, टाइम हो गया। कॉपी सिर स्कूल जाते हैं। अखबार की कॉपी जुड़ती है तो अखबार भी तो कहे ना अखबार। सर इसे नोट करिए, क्या रंग पहना हुआ इसने? मेहंदी। ये मेहंदी अब देखना, उन कहेंगे मेहंदी नहीं, चरस दा रंग। हाँ ठीक है। सर ये कुछ देखे देखे लगते हैं फिल्मी करेक्टर की तरह। मुझे पता है किसकी तरह लग रहा है ये। मुगले आजम देखी है तुमने? जी। उसमें पृथ्वीराज की चुड़ैल हो ना। तू इतने आ जाओ, मैं उतने आ जाऊंगा। पृथ्वीराज की चुड़ैल बनाते जुगत ही पढ़ी लिखी करते ने। एक और कैरेक्टर है, वो हैरी पॉटर नहीं देखी तुमने? जी जी। उसमें इस जैसा एक दौई सा होता, हाथ में डंडा पकड़। हाँ हाँ, जो उनका प्रिंसिपल होता है स्कूल का। हूने दस दें थोड़े दिल च की है? दस दें आप बताओ। थोड़ा दिल करता है उठ उठ के आके मैं जुतियां मारूं। बाबा सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। कोई सीरियसली कुछ चीज है, कोई मुखबरी है, कोई अंदर की बात है तो बताए। बाबा अंदर की खबर देने लगे है तो दो ना। या बैठ कैसे गए? क्यों जी? पैर नीचे करके बैठो। की वजह की है? तुसी जदों लंबे पैंदे मैं मना करना तुहानू। अच्छा यार बाबा ये बताओ, कभी एक बात सोची है? केड़ी जी? कि तुम दुनिया पे क्यों आए? वो एक फजूल से आदमी हो। ये तो मेरे माँ प्यो नू सोचना चाहिए ना, जिन्हें चवल मारी है। मेरा की कसूर है? अच्छा बाबा ये बताओ। अच्छा मैं क्यों बताऊं, मैं गिरफ्तार हो गया हूँ यहाँ। अच्छा बाबा ये बताओ, अच्छा बाबा वो बताओ। बाबा सिर्फ बताना है, बाबे की शक्ल भी बताऊं जैसे। और बड़े महंगे एंकर ने, सिर्फ गल्ला सुन ले। बाबा कोई आम शख्सियत नहीं, बाबा बड़ी पहुंची शख्सियत है। बड़े लोग साढ़े को आते ने फैज लैन ले, जिन्हें जो दसिया वो होया। जाओ जाओ, तुम तो पैसे लेते हो। बाबा आटा भी ले लेंदा। बाबा एडा सख्त नहीं है, बाबा पुरानी जुतियां भी ले लेंदा। खाते हो? वो ये घड़ी इतनी फैंसी कहां से ली है तुमने? ए सानू जरदारी साहब ने दी सी। क्यों? जरदारी साहब को और कोई नहीं मिला इनायत के लिए? क्यों जी, मैंने नहीं दे सकते? नहीं तुम्हें क्यों देंगे? इसने चोरी ना की हो। वैसे शक्ल से जेब तराश लगता। अल्लाह तो डरो, जरदारी साहब की जेब मैं कटांगा। ये उन्होंने सानू खुश होकर दी सी। तुमने ऐसा क्या किया कि उन्होंने खुश होकर तुम्हें ये सोने की घड़ी दे दी? मैं उन्होंने कोई खास तरीके दसे सन। किस चीज के? मैं जिन्ना दसना सी ना मैं दस दिता है, मैं बोर ना करो। अच्छा ये सो कॉल्ड बाबा बदशक्ल तो है ही, बदतमीज भी बहुत। किस तरह गल करा मैं थोड़े ना, जिन्हें तुसी राजी हो जाओ। वो मुखबरी दो। दो फिर अंदर दी खबर सुनो। हाँ पिछले दिनों नेवी एहलकारों ने लांच पकड़ी जो दुबई जा रही थी। रवाना कहाँ से हुई? शेखपुरे। यार ओ भाई जी, कराची रवाना होनी, और कितों होनी है? कैसा अहमक ऐसे नहीं पता कि वो और मारा से भी हो सकती है, वो गवादर से भी, सोन मेयरनी से भी, पसनी से भी। कसूर तो लाहौर रह गए, बाकी सारे ना तुसी लैते नहीं। ये सारी मकरान कोस्ट है अकल के अंधे। अच्छा जी मकरान कोस्ट तो रवाना हुई है। ठीक फिर अगे नेवी ने फाड़ ली। ओए तो क्या कुछ था उसमें? उसमें 6 अरब मालियत का सोना और करेंसी नोट थे हर मुल्क के। छे अरब? हाँ जी 6 अरब। 6 अरब का मतलब पता है क्या? कम से कम 3 शुगर मिले। सर इतना पैसा किसका हो सकता है? ये उसी का हो सकता है जिसने दोनों हाथों से लूटा हो किसी को। हलाल का रिस्क इस तरह बंदा नहीं गवाता। बाजी दे दरअसल ये पैसा पता किसका है? किसका? जो कई सालों से जहाज के जरिए पैसा दुबई भेज रहे हैं और अब नहीं भेज रहे, और अब नहीं भेज रही है ना। यानी ये वही कार्टल है जो पाकिस्तान से सोना, डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो, दिरहम, दीनार, हर चीज स्मगल करता चला जा रहा है। जी 3 गिरफ्तारियां हुई मौके पर।
अच्छा फिर उनमें से एक सिंध की इंतहाई अहम शख्सियत का कार खास है। बात उस तरफ चली गई। हुन अगू को गल मेरे को पूछी ना, मैं पीछे समुंदर छाल मार देना। तो ये बताओ अहमक पीछे समुंदर कौन सा? वैसे जो मैं तुम्हें वाकया दसा ना, इन्हें चो एक बंदे ने सच्ची मुची समुंदर छाल मार खुदकुशी कर ली सी। ओहो, उसकी लाश मिल गई है? मैं मतलब गोरखन का बच्चा या शक्ल मेरी किसी गोताखोर वर्गी है या सोमालिया दे बैरी कजाक मेरे बहनोई ने या खैरुद्दीन बार भरोसा मेरे अब्बा जी सन। सर ये कौन था? ये तुर्क अमीरुल बहर था, लेकिन इससे पहले डकैत था, बहुत बड़ा कजाक था। और देखो बजाय इसको सजा देने के उन्होंने कहा जनाब आप अपने आप को चेंज कर लें, हम आपको अमीरुल बहर बनाते हैं। और फिर उसने एक नई तारीख रकम कर डाली। उसकी मौजूदगी में फिर कजाक खत्म हो गए थे, उसे तो पता था ना ये काम होता कैसे, और तुर्कों का तूती बोलता था समुंदर में इसकी वजह से। और मैं अल्लाह जानता जी मैं जानता नहीं। मैं सिर्फ कह बैठा कैसे बार भरोसा इंजन खोल के रख देता है।